2013 में आई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को तो आपने बहुत बार देखा होगा, जो इंडियन सिनेमा की एक ऐसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे देखकर लोग आज भी बोर नहीं होते। लेकिन दोस्तों, इस कमाल धमाल एक्शन कॉमेडी फिल्म की शूटिंग कैसे हुई थी, आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हैं या बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी सीन मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस मूवी के ज्यादातर सीन्स ट्रेन में शूट किए गए हैं और आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि ट्रेन में जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक दूसरे के आमने सामने बैठकर कॉमेडी करते हैं, उन सभी सीन्स को कोई रियल ट्रेन में नहीं बल्कि मुंबई के महबूब स्टूडियो में कुछ इस तरह से शूट किया गया है, जिसमें पहले तो एक ट्रेन का डमी सेट बनाया और फिर उसके बाहरी साइड में ग्रीन बैकग्राउंड को लगा दिया ताकि एडिटिंग के टाइम ग्रीन स्क्रीन को एक अच्छे बैकग्राउंड से रिप्लेस किया जा सके। आपको बता दें, डायरेक्टर ने सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ लोगों को बाहर से ट्रेन हिलाने के लिए कहा ताकि ये सीन बिल्कुल रियल ट्रेन की फील दे सके, और आप इस फाइनल रिजल्ट में देख ही सकते हैं कि ये सीन कितना रियलिस्टिक लग रहा है। अब आपने इस ट्रेन वाले सीक्वेंस में ये सीन तो देखा ही होगा, जिसमें मिनम्मा की सेफ्टी करने वाले गुंडे एक टीटी को ट्रेन से धक्का दे देते हैं और वो टीटी पानी में गिर जाता है। बल्कि इस सीन को भी रियल में नहीं बल्कि डमी ट्रेन की मदद से शूट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टीटी को डमी ट्रेन से धक्का दिया जा रहा है। इस मूवी का आपको ये सीन तो याद ही होगा, इसमें दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ DDLJ वाला सीन करते हुए नजर आती है। इस सीन को गोवा के एक रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया है। सीन को शूट करने के लिए परमिशन भी ली गई थी, साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कुछ मिनटों के सीन को शूट करने के लिए 6 दिन लग गए थे। ट्रेन का ही एक और सीन है जिसमें ट्रेन को एक वाटरफॉल के साथ दिखाया जाता है, जो देखने में काफी सुंदर भी लगता है, लेकिन शायद आपको लग रहा होगा कि ये सीन एडिटिंग से बनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस सीन को रियल में एक हेलीकॉप्टर की मदद से शूट किया गया है। इस सीन को शूट करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब इस सीन का फाइनल रिजल्ट आया तो ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपको बता दें, मूवी में कुछ ऐसे सीन भी हैं जिन्हें CGI और VFX की मदद से बनाया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब ये सीन जब का है जब शाहरुख खान मिनम्मा लोचनी के घर से भाग जाता है। इस सीन को किसी डबल बॉडी ने नहीं बल्कि शाहरुख खान ने खुद किया था। वैसे तो बाइक स्टंट की प्रैक्टिस के दौरान शाहरुख खान कई बार बाइक से गिरे थे, लेकिन बहुत सारे रिटेक के बाद शाहरुख खान ने ये सीन बहुत अच्छे से कर दिखाया। इस मूवी का आपको ये सीन तो याद ही होगा, जिसमें थंगाबली और राहुल यानी शाहरुख खान के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इस सीन को भी किसी डबल बॉडी इंसान ने नहीं बल्कि शाहरुख खान ने खुद किया था, और इस सीक्वेंस के आप इस सीन में शाहरुख खान को बहुत सारे सामान पर गिरते हुए देख ही सकते हैं। कार का ये वाला सीन तो आपने देखा ही होगा, जिसमें शाहरुख खान कार रोकने के लिए उस पर लटक जाते हैं। ये सीन काफी फनी था, लेकिन इस सीन को करना उतना ही डेंजर भी था, लेकिन फिर भी शाहरुख खान ने इस सीन को बिना किसी डबल बॉडी के खुद किया था, जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख ही सकते हैं। अगर आपने अभी तक क्रिश 3 या पठान मूवी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखे तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।